नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 22 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अब जल्दी सॉल्व होंगे मामले। बिहार में भूमि सर्वेक्षण पूरा करने से पहले सरकार करने जा रही है एक और काम। प्रजनन दर में बिहार पहुंचा पहले पायदान पर। कांस फिल्म फेस्टिवल में मैथिली का डंका। सुप्रीम कोर्ट अब सुब्रत रॉय मामले में इस दिन करेगी सुनवाई। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में अब जल्दी सॉल्व होंगे मामले। बिहार के थानों में लंबित कांडों के निपटारों के लिए अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई है। डीजीपी एसके सिंघल ने संविदा के आधार पर होने वाली नियुक्ति में इसके लिए तेजी लाने को कहा है, जिससे ही पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने अनुसंधान कार्यों की तकनीकी बाधाओं को दूर कर कांडों का निष्पादन तेजी से कराने का भी निर्देश अपने अफसरों को दे दिया है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय में एसके सिंघल ने थानों का निरीक्षण करने वाले वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। अफसरों ने कांडों के लंबित रहने के पीछे पुलिस अफसरों की कमी, प्रोन्नति में हो रही देरी और तालमेल की कमी को बड़ा कारण बताया। साथ ही ये भी बताया गया है कि जिलों और थानों में कांडों के अनुसंधान का काम संतुलित रूप से आवंटित नहीं किया जा रहा है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे प्रभात रंजन सरकार की। प्रभात रंजन सरकार को उनके आध्यात्मिक नाम श्री से जाना जाता है और उनके शिष्यों के लिए बाबा के रूप में जाना जाता है। एक आध्यात्मिक गुरु, भारतीय दार्शनिक, योगी, लेखक, कवि, संगीतकार और वो भाषाविद थे। सरकार 1955 में आनंद मार्ग के संस्थापक थे। एक आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन जो ध्यान और योग में निर्देश प्रदान करता है। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने सरकार के बारे में कहा है कि प्रभात रंजन सरकार भारत के महानतम आधुनिक दार्शनिकों में से एक थे। सरकार की साधना प्रणाली को एक रूप में वर्णित किया गया है। वैदिक और तांत्रिक दर्शन का व्यावहारिक संश्लेषण, उन्होंने भौतिकवाद और पूंजीवाद की निंदा की और ब्रह्मांड को माइक्रो साइकिक शंकु के परिणाम स्वरूप वर्णित किया था। बिहार के चनपटिया के कपड़े अब बिकेंगे मलेशिया, कतर और दुबई में। यूट्यूब पर एक स्टार्टअप जोन चनपटिया के बारे में आपने भी सुना होगा। इसी की जानकारी जैसे ही विदेशी पटल पर पड़ी तो वहां भी प्रोडक्ट की मांग बढ़ती जा रही है। अब खबर के अनुसार मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई के टेक्सटाइल क्षेत्र के बड़े व्यापारियों ने उद्यमियों से संपर्क साधा है और करोड़ों रुपए के साड़ी, लहंगा, शर्ट, टी शर्ट, जैकेट, ट्रैक सूट आदि का ऑर्डर भी दिया है। ऑर्डर मिलने के बाद स्टार्टअप जोन के उद्यमी खासे उत्साहित हैं। शुक्रवार को डीएम से मिलने पहुंचे उद्यमियों ने कहा कि चनपटिया स्टार्टअप जोन की ख्याति विदेशों तक में पहुंच गई है। उद्यमियों ने बताया कि विदेशों में जितना ऑर्डर मिला है उतना प्रोडक्शन करने में और मशीनें लगानी होंगी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण पूरा करने से पहले सरकार करने जा रही है एक और काम। बिहार में सरकारी परियोजनाओं के लिए अर्जित जमीन का दाखिल खारिज संबंधित विभाग के नाम से होगा। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने भू अर्जन पदाधिकारियों को इससे संबंधित सारी जानकारी साझा की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड में जमीन अधिग्रहण करने वाले विभाग का नाम दर्ज कर पुराने रैयतों का नाम हटा दे। उन्होंने उक्त निर्देश दिया है, जिसके तहत उन्होंने आगे कहा कि रिकॉर्ड जमीन अधिग्रहण करने वाले विभाग का नाम दर्ज कर पुराने रैयतों का नाम हटा दे। ये निर्देश उन जिलों को खास करके दिया गया है जहां भूमि सर्वेक्षण अंतिम चरण में है। ऐसे जिलों की कुल संख्या 20 है। में बिहार पहुंचा पहले पायदान पर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की हालिया रिपोर्ट में बिहार के कई पहलू खुलकर सामने आए हैं। इसी कड़ी में सर्वे के रिपोर्ट में बिहार में फर्टिलिटी रेट देशभर में सर्वाधिक है। हालांकि पिछले 5 साल में ये 3.30 से घटकर 2.98 पर आ गई है, लेकिन देश के नेशनल फर्टिलिटी रेट 2.17 से ये अब भी काफी अधिक है। बिहार में सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आगामी 10 साल में फर्टिलिटी रेट 1% कम करने पर सरकार काम कर रही है। रिपोर्ट की माने तो परिवार नियोजन के लिए महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग मेघालय में सबसे कम है। इसके बाद मिजोरम और बिहार का स्थान है। राज्यों में गर्भ निरोधक विधि का उपयोग मेघालय में 27%, मिजोरम में 31% और बिहार 56% में सबसे कम है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL ने निकाली रिक्तियां। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL ने सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 35 पद पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी के 8 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें स्त्री रोग और प्रसूति, सामान्य चिकित्सक, सामान्य सर्जन, विकृत विज्ञान, बाल चिकित्सा, हड्डी रोग, कार्डियोलॉजी, संज्ञाहरण, ENT, नेत्र विज्ञान, रेडियोलॉजी है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्रासंगिक अनुसंधान में MS, MD, PG डिप्लोमा और 10 साल तक का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य विद्वार आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.iocl.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं।
बिहार के जिलाधिकारियों के लिए सरकार ने जारी किया नया निर्देश। बिहार के जिलाधिकारी अगर छुट्टी पर जाने की सोच रहे हैं तो उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग को लिखित रूप से सारी जानकारी देनी पड़ेगी। साथ ही बताना होगा कि अवकाश के दौरान वो किस शहर में रहने वाले हैं, यानी कि अब जिलाधिकारियों को हर हाल में अपने गंतव्य की जानकारी देनी होगी। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। आवेदन में सभी लोगों से नाम की सही जानकारी भी देने की बात कही गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जिलाधिकारियों के लिए जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रायः यह देखा जाता था कि जिलाधिकारी द्वारा मुख्यालय या फिर राज्य से बाहर की यात्रा की अनुमति के लिए जो आवेदन दिया जाता है उसमें गंतव्य स्थल का नाम ही नहीं रहता, जबकि ऐसे आवेदन पत्रों में गंतव्य स्थल का नाम हर हाल में रहना चाहिए। बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना। बिहार में बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सभी जिलों में अलग अलग स्थानों पर बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो आज बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश होने की आशंका है। इतना ही नहीं, बारिश के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने शनिवार के सुबह 9:28 पर अलर्ट जारी किया कि पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और सुपौल जिले के कुछ भाग में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की भी संभावना है। कांस फिल्म फेस्टिवल में मैथिली का डंका। फ्रांस के कांस फेस्टिवल की चर्चा इन दिनों काफी ज्यादा हो रही है। इसी फेस्टिवल में जहां कलाकारों के कपड़ों की चर्चा हो रही है तो वहीं मैथिली भाषा का भी डंका देखने को मिला। मैथिली भाषा में बनी फिल्म धुईन को फ्रांस के कांस में चल रहे 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल करने का काम किया गया है, जो बिहार समेत मैथिली भाषी लोगों के लिए गर्व की बात है। वहीं मैथिली फिल्म का चयन से यहां के फिल्मकारों में काफी उत्साह है। 26 मई तक चलने वाले फिल्म महोत्सव में देश विदेश की अब कई फिल्मों को चयनित करने का काम किया गया है, जिसे फिल्म महोत्सव के दौरान निर्णायक मंडल देखेंगे और बेस्ट फिल्म को अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत से 6 फिल्मों का चयन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट अब सुब्रत रॉय मामले में इस दिन करेगा सुनवाई। बिहार से निकले सहारा इंडिया के निदेशक सुब्रत रॉय इन दिनों बड़ी मुश्किलों में हैं, क्योंकि लाखों लोगों का पैसा भरोसे के नाम पर लेकर अब वापस नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण पटना हाईकोर्ट भी नाराज है, जिसके तहत ही पटना हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले ही सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी का आदेश भी जारी किया था, जिसके बाद ही अब उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वो सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की व्यक्तिगत पेशी संबंधी पटना उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर 13 जुलाई को आगे सुनवाई करेंगे। उच्च न्यायालय ने सहारा समूह की कुछ कंपनियों द्वारा निवेशकों का पैसा नहीं लौटाए जाने के सिलसिले में बिहार के पुलिस महानिदेशक को सहारा प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था, जिस पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी थी। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 को लेकर उम्मीदवारों के लिए जरूरी सूचना। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 2-3-5 के पदों के लिए सीबीटी 2 का स्केड्यूल जारी कर दिया है, जिसके बाद यह परीक्षा 12 जून से शुरू होगी। परीक्षा को लेकर पटना और मुजफ्फरपुर जोन समेत देश के विभिन्न शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 1,00,000 से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। आरआरबी के चेयरमैन ने अभ्यर्थियों से कहा है कि नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लेवल 2 में जूनियर क्लर्क, कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क, सह टाइपिस्ट आदि के 658, लेवल 3 के कमर्शियल सह टिकट क्लर्क आदि के 269 और लेवल 5 में गुड्स कार्ट सीनियर कमर्शियल सहक्लर के 2587 पद है। शेखपुरा के गिरिहिंडा पहाड़ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शेखपुरा को गिरिहिंडा पहाड़ के रूप में प्रकृति का अमूल्य वरदान मिला है। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 500 फीट है, जिसकी चोटी पर एक शिव मंदिर है, जिसे बाबा कामेश्वर नाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी चोटी से नीचे देखने पर टेढ़ी मेढ़ी नदियों के उजरे रेत, बगीचों और उपवनों की झुरमुटे और लहलहाते खेत अत्यंत ही मनोहर प्राकृतिक दृश्य उपस्थित करते हैं। जिला प्रशासन द्वारा इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए इसकी चोटी पर बाल उद्यान, कैंटीन, फव्वारा, हाई मास्ट लाइट और इसकी चोटी पर मोटर वाहन द्वारा पहुंचने हेतु 2200 फीट लंबे पक्के सड़क का भी निर्माण कराया गया है। मान्यता है कि गिरिहिंडा पहाड़ का संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि गिरिहिंडा पहाड़ पर ही हुंडा नामक दानवी ने महापराक्रमी पांडव पुत्र भीम ने गंधर्व विवाह किया था। बिहार में अब पंचायत स्तर पर तय होगा खेती करने का लक्ष्य। बिहार में अब खेती का लक्ष्य तय होने वाला है। हालांकि ये पहले की भांति लक्ष्य अनुमान के आधार पर तय नहीं होगा, बल्कि पंचायत स्तर पर अधिकारी जाकर किसानों से बात कर नया लक्ष्य तय करने वाले हैं। इसी खरीफ से इसकी शुरुआत हो गई है। इसके लिए 3600 कृषि कर्मियों को जिम्मेदारी भी दे दी गई है, जिसकी पूरी कमान बिहार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन होने वाली है। बिहार में कृषि का रकबा और उत्पादन के टारगेट के लिए कृषि विभाग ने इस बार एक नया प्रयोग शुरू किया है। जिन पंचायतों की जिम्मेदारी जिन कर्मियों को दी गई है, वो अपने क्षेत्र के हर गांव में खुद जाएंगे, वहां से किसानों से बात कर फसल
मंगलवार रकबा तय करेंगे। इस साल कितने रकबे में धान और मक्के के साथ दूसरी फसलों की खेती करने का फैसला किसानों ने किया है, इसकी जानकारी लेकर कर्मी ऐप पर डाल देंगे। इन जिलों में ग्रीन एनर्जी के माध्यम से 24 घंटे होगी बिजली की आपूर्ति। बिहार में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार कोई न कोई पहल की जा रही है, साथ ही कई कामों को करने के लिए उन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनसे वायु प्रदूषण ना हो। इस वजह से राज्य में डीजल और पेट्रोल से चलने वाली बसों को बंद करके बैटरी या सीएनजी से चलाने का निर्णय लिया गया था, जिसे सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है। वहीं निजी वाहन चालकों से भी सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग करने की अपील भी की गई है, जबकि अब बिजली उत्पादन के लिए भी कुछ इसी तरह का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। सरकार ने पटना, राजगृह और बोधगया में ग्रीन एनर्जी के माध्यम से 24 घंटे बिजली उत्पादन का फैसला किया है। ग्रीन एनर्जी के ग्रुप में शामिल सौर ऊर्जा के उत्पादन को लेकर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच एक करार भी किया गया है। हैंडलूम कारीगरों को अब ये छात्र बताएंगे किस तरह बनेगी डिजाइन और क्या होगा रंग। हैंडलूम के काम में लगे कारीगरों को अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन से पढ़कर निकले टेक्सटाइल डिजाइनर डिजाइन और रंग के बारे में बताने वाले हैं। योजना के अनुसार ये छात्र अब हैंडलूम के कारीगरों को बताएंगे कि किस तरह के डिजाइन और रंग वाले कपड़े तैयार करने हैं, किस तरह के डिजाइन का चलन बाजार में है। टेक्सटाइल डिजाइनर की सेवा विभिन्न जगहों के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत की जाएगी। ये काम नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत होनी है। इसके लिए उद्योग विभाग के तहत कार्यरत हैंडलूम और सेरी कल्चर निदेशालय ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी आमंत्रित कर दिया है। फर्जी फोन कॉल से मिलेगी राहत। अगर आप फेक फोन कॉल से परेशान हैं, तो आपको बहुत ही जल्द इससे छुटकारा मिलने वाला है। बता दें कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने एक ऐसे मैकेनिज्म पर काम शुरू कर दिया है जिसमें फोन पर कॉलर का नाम दिखाया जाएगा, यानी कि आपको जो भी व्यक्ति फोन करेगा उसका नाम स्क्रीन पर दिखेगा। साथ ही ये भी बताया गया है कि उस सिम में वही नाम दिखाई देंगे जो कि केवाईसी में आपने अपडेट करवाया हो या फिर जिस नाम से आपने सिम कार्ड लिया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो ट्राई बहुत ही जल्द एक ऐसा मैकेनिज्म शुरुआत करेगा जिसमें फोन करने वालों के नाम सीधे ऊपर स्क्रीन पर दिखाई देंगे। बता दें कि इसको लेकर प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी ने ये जानकारी साझा कर दी है। बिहार कांग्रेस जल्द ही करेगी नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा। अधर मिलट की कांग्रेस अब अपनी पकड़ बिहार में मजबूत करने में लग गई है। हालांकि अभी कांग्रेस की कमान संभालने के लिए बिहार में कोई प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं है, लेकिन जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष की तलाश के बीच बिहार प्रभारी भक्त चरणदास ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 45 नामों की सूची सौंप दी है। साथ ही सह प्रभारी और उप प्रभारी के नाम भी भेजे गए हैं। हालांकि बिहार के प्रभारी भक्त चरणदास द्वारा भेजी गई इस लिस्ट से बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेता नाराज भी बताए जा रहे हैं। लिस्ट भेजने के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने संगठन महासचिव वेणुगोपाल को कहा है कि वो लिस्ट में भेजे गए नामों से सहमत नहीं है, लेकिन अंतिम फैसला अब आलाकमान के हाथों में है, जिसके बाद ही अब उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस हाईकमान जल्द ही बिहार प्रदेश के अध्यक्ष की घोषणा कर सकते हैं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में इस दिन से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2022 से 25 में नामांकन के लिए स्केड्यूल जारी कर दिया है। स्नातक के 1,10,000 सीटों के लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल पर छात्र 25 मई से केंद्रीयकृत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 12 जुलाई रखी गई है। केंद्रीयकृत फर्स्ट मेरिट लिस्ट 16 जुलाई को जारी की जाएगी। 27 जुलाई तक फर्स्ट लिस्ट के अनुसार काउंसलिंग और नामांकन लिया जाएगा। 30 जुलाई तक कॉलेज नामांकन को ऑनलाइन वैलिडेट कर उसे कंफर्म करेंगे। कंफर्मेशन के बाद ही विश्वविद्यालय फिर खाली बची हुई सीटों पर दूसरी सूची जारी कर देगा। सीटों के संबंध में जानकारी वेबसाइट पर अपडेट की जाती रहेगी। शराब पीने वालों को अब सरकारी योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इस कानून की धज्जियां काफी ज्यादा उड़ाई जा रही है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ऐसे लोगों पर और सख्ती करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने के साथ चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित करने पर विचार किया जा रहा है। इस सिलसिले में हाल ही में बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें ही मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्वाचन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पंचायती राज, परिवहन, सहकारिता सहित कई विभागों के पदाधिकारियों की राय ली गई है। विभाग से मिली जानकारी के आधार पर जल्द ही फाइनल ड्राफ्ट तैयार किए जाने की संभावना है। इसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। पटना में जल्द ऑटो से सफर करना होगा महंगा।
अगर आप भी अपने गंतव्य तक जाने के लिए पटना में ऑटो का सहारा लेते हैं तो आपको भी महंगाई के इस दौर में एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से ऑटो किराए के लिए आपके जेब से अतिरिक्त पैसे की निकासी होने वाली है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ऑटो किराए में बढ़ोतरी होने वाली है। ऑटो किराए में बढ़ोतरी की वजह पेट्रोल डीजल और सीएनजी पीएनजी का महंगा होना है। इस वजह से ऑटो संघ ने किराए में बढ़ोतरी की मांग की थी। ऑटो संघ की इस मांग पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव ने किराए बढ़ोतरी के प्रस्ताव को आगे भेज दिया है। इससे पहले परिवहन विभाग ने इस मामले में प्राधिकरण से ऑटो किराए में बढ़ोतरी पर सुझाव मांगा था, जबकि अब पेट्रोल डीजल और सीएनजी के मूल्यों में हुई वृद्धि और ऑटो संघ की मांग को देखते हुए प्राधिकार ने मंतव्य को परिवहन विभाग को भेज दिया है। पूर्व के वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति पर लगी रोक। बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के घोषित निर्वाचन परिणाम के उपरांत नवगठित वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की तरफ से महत्वपूर्ण संचिका, कागजात, रोकड़, पंजी, वित्तीय लेन देन आदि का काम करने वाले हैं, जिसकी घोषणा बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर राज्य के अंदर किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है तो उनके खिलाफ विधि सम्मत उचित कार्रवाई होगी। चौधरी ने बताया कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी और जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अद्यतन नवगठित के मात्र 30% वार्डों का ही लेखा जोखा और अन्य अभिलेखों का हस्तांतरण किया गया है। सीबीआई की छापेमारी के बाद तेज प्रताप यादव ने भरी हुंकार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना समेत कई अन्य ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। तेज प्रताप ने छापेमारी के बाद ट्वीट कर सीबीआई पर ही तंज कसा था। उन्होंने कहा कि हम यदुवंशी गाय पालने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत सारा गोबर है, ले जाओगे क्या। शनिवार को भी उन्होंने एक ट्वीट जारी किया जिसमें उन्होंने यादवों की ताकत की चर्चा की है। भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की तस्वीर पोस्ट करते हुए तेज प्रताप ने लिखा, यादव की ताकत से पूरा ब्रह्मांड डोलता है, ये हम नहीं हमारा इतिहास बोलता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजुली ने एक आदेश के तहत दिल्ली के मुगल बादशाह के लिए एक स्थायी प्रावधान की व्यवस्था की। दलाई लामा ने 2001 में तिब्बत की आजादी की मांग छोड़ी। गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को 2007 में नॉर्वे का अबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राजा राममोहन रॉय का जन्म 1774 में हुआ। हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक मदन लाल मधु का जन्म 1925 में हुआ। भारत में सूर साम्राज्य का संस्थापक और महान योद्धा शेर शाह सूरी का निधन 1545 में हुआ। भारत के प्रारंभिक कम्युनिस्ट नेताओं में से एक श्रीपाद अमृत डांगे का निधन 1991 में हुआ। विश्व जैव विविधता दिवस को आज ही के दिन मनाया जाता है। पेट्रोल 9.50 रुपए सस्ता तो एलपीजी पर 200 रुपए की सब्सिडी। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देने वाला कदम उठाया है। सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए की कटौती कर दी है, जबकि डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 6 रुपए की कटौती की है, जिसके बाद पेट्रोल 9.50 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है, जबकि डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शनिवार को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि इस साल भी मोदी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी देगी। इससे गरीब माता बहनों को फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से एक साल में करीब 6100 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी। आरसीबी के लिए वरदान साबित हुई मुंबई, दिल्ली को 5 विकेट से दी मात। आईपीएल 2022 के 69वें मैच में मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेट से मात दे दी। इस हार के साथ ही दिल्ली प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। वहीं आरसीबी ने प्लेऑफ का टिकट कटा लिया है। अब 25 मई को होने वाले पहले एलिमिनेटर में आरसीबी की टीम लखनऊ के खिलाफ खेलती हुई नजर आएगी। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने मुंबई को 160 रनों का टारगेट दिया था। मुंबई ने आखिरी ओवर में इस टारगेट को पूरा कर लिया। मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन ईशान किशन ने बनाए। उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली। वहीं आखिरी ओवर में टिम डेविड ने धमाकेदार बल्लेबाजी की और सिर्फ 11 गेंद में 34 रन बना दिए। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है उगन शर्मा, रंजीत मिश्रा, रेखा सिंह, केशव कृष्णा, गौतम कुमार, कल्याणी चौधरी, रविन्द्र पासवान, केशव कुमार, उमाशंकर एंटरटेनमेंट, अज्जू भाई, कृष्णा कुमार, अतीक खान, प्रवीण कुमार और राजीव कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार की नीतीश सरकार जमीन संबंधी मामलों का निपटारा करने में सफल हुई है या नहीं। अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।